क्या तुम हमारी गलती माफ कर सकती हो प्लीज? तुमने तो रिश्ते के शुरू में ही मुझे इतने अंधेरे में रखा है, आगे क्या क्या करती? आई स्वेयर अमीरा, ऐसी कोई बात नहीं है, पसंद करने लगा हूं मैं तुम्हें, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। धोखा देख, मेरी नजदीक वो बात इतनी जरूरी नहीं थी कि बताई जा सके। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए वो बात जरूरी थी जानना। एक दफा तो बता कर देखते, क्या पता तुम्हारा भरोसा जी। अच्छा प्लीज तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोबारा मैं तुम्हारा भरोसा जीत सकूं? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी खुद को क्लियर करने का? बात बहुत छोटी सी थी, पाकिस्तान में किसी को भी नहीं मालूम थी। जब मैं पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटी में था, मुझे वहां एक लड़की पसंद आ गई थी, बस मैंने उससे शादी कर ली। वो मेरी इमेच्योरिटी की एज का जल्दबाजी का एक गलत फैसला था और कुछ नहीं। यार मेरा उस लड़की के साथ वो कनेक्शन, वो बॉन्ड बन ही नहीं सका। बस कुछ ही अरसा हमारी बात रही और उसके बाद खत्म हो गई, और ये सब कुछ इतने शॉर्ट टाइम में हुआ कि हमने कभी किसी को बताया ही नहीं और ना ही कभी जरूरत महसूस की इस बात की। क्या क्या मतलब कि बात यहाँ कोई नहीं जानता था? सारा आंटी, महमूद अंकल तो ये बात जानते होंगे। नहीं, उन्हें भी नहीं पता थी और ना ही किसी और को। अगर उन्हें ये बात मालूम होती तो क्या वो तुम्हें नहीं बताती? कोई भी नहीं जानता था। I swear, तुम्हें अब तक तो ये बात मालूम हो गई होगी कि तुम्हें पसंद करने से पहले मामा ने हुरम को मेरे लिए पसंद किया था, लेकिन हुरम तुम्हारे भाई को पसंद करती थी, इसलिए हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकी, वरना तुम्हें पता नहीं लग जाता क्या? कैसे यकीन करना तुम्हारी बात? मामा ने कहा था कि चंद महीनों की तो बात है, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? इसलिए उस दिन मैंने महमूद अंकल से घर में यह बात नहीं की और ना ही किसी और के आगे। लेकिन अब ये मैं मानता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूं अमीरा, और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं सच्चे दिल से। प्लीज मेरी बात को कंसीडर जरूर करना प्लीज।